आदिवासी समाज में शादी ब्याह हो या सरहुल पर्व हो तो वो मुर्गी को चरा के ही देखते थे कि मेरा पूजा सफल हुआ कि नहीं हुआ। झारखंड सरकार, लोग राजनीति करते हैं, चाहे किसी का भी सरकार हो, सरकार बहुत सारे सरकार, चाहे बीजेपी का रहे, चाहे जेएमएम का रहे, चाहे कांग्रेस का रहे, चाहे आसू का रहे, ये लोग केवल वोट बैंक के चलते किसी भी धर्म स्थल को बेच सकते हैं। तो हम उनके बातों से सहमत नहीं है, जरूरत पड़े तो हम सरकार के खिलाफ में भी जाने का काम करेंगे। ऐसे वहाँ का जो गीत गोविंद मांदर का थाप लेके अपना गाते बजाते हुए जाहिर आयो मारंग मुरुंग सरनामा धर्मेश को वो लोग रिझाते हैं कि हर साल के भांति जिस प्रकार हम इस जगह में आपको पूजा कर रहे हैं अगला साल भी इसी तरह हमें फल फूल पेड़ में देते ही रहेंगे। पारसनाथ का चर्चा या कह ले पारसनाथ का जो विषय है वो सिर्फ अब झारखंड का नहीं है, विदेशों में भी इसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन यहाँ के जो नागरिक हैं जो पारसनाथ को एज अ धार्मिक स्थल देखते थे अब अपने अधिकार का मुद्दा समझने लगे हैं। सिर्फ हम इसे संथालियों का ना समझे, ये पूरे आदिवासी समाज के लिए एक अधिकार की बात हो गई, एक चैलेंज की बात हो गई है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के हरमू मैदान में है, एक प्रार्थना सभा यहाँ चल रही है और इस प्रार्थना सभा में राजीव पाढ़ा प्रार्थना सभा के प्रदेश धर्मगुरु हमारे साथ है, नाम है राजेश लिंडा। जब दादा से हमारी बात शुरू हुई तो इन्होंने कहा कि मैं पर्सनली गया हूँ पारसनाथ और वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की जो संस्कृति है उसको मैंने देखा है, जाना है और उस बारे में हम इनसे जानेंगे। दादा आप कब गए थे वहाँ? सबसे पहले जोहार और जय धर्मे। जो पारसनाथ पहाड़ है उस संथाल परगना का एक पूजा स्थल है और पूरा 3200 जनजाति भी वहाँ पर ही पूजा करने के लिए पहुँचते हैं। हम लोग का जो सरहुल पर्व है, हम सरहुल पर्व में वहाँ पहुँचे हुए थे और हम देखे हुए थे वहाँ पर ही कि हम लोग का आदिवासी लोग का पूजा करने का विधि विधान सबसे अलग है। शुरू से ही हम लोग को पूर्वज लोग जब भी पूजा पाठ, कोई भी पूजा पाठ हम लोग करते हैं, जैसे कि सरहुल पर्व हुआ उस समय हम लोग तपावन के रूप में हड़िया से भी वहाँ हम लोग पूजा करते हैं। साथ साथ में शुरू से ही ये प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ी ना हो और ये पहाड़ पर्वत में हम लोग का देवी देवता सब भी बसा हुआ है और शुरू से ही हम लोग वो मुर्गी जो होते हैं उनको चरा के हम लोग देखते हैं कि देवी देवता हम लोग से खुश है कि नहीं। और शुरू से ही हम जब भी हम छोटे थे मेरे पापा मम्मी या कि बड़ों लोग से हम कहानी सुनते थे कि जब भी हम लोग को आदिवासी समाज में शादी ब्याह हो या सरहुल पर्व हो तो वो मुर्गी को चरा के ही देखते थे कि मेरा पूजा सफल हुआ कि नहीं हुआ। आज जैन धर्म के लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर नशा पान से पूजा करने नहीं देंगे या बलि प्रथा होने नहीं देंगे। हम कहना चाहेंगे वो पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों लोग का पहाड़ है और शुरू से ही संथाल परगना शुरू से ही वहाँ पूजा करते हुए आए हुए हैं और हम लोग जितने भी आदिवासी लोग हैं मिल के वो पहाड़ के हम लोग बचाने का प्रयास करेंगे, कहे कि आदिवासी लोग का एक इतिहास उस पहाड़ में छुपा हुआ है। तो पुनः सभों लोग को हम इतने ही बोल के अपना वक्तव्य को हम समाप्त करते हैं, सभों को एक बार जोहार। दादा हम और एक बात आपसे जानना चाहेंगे, जैनियों का ये कहना है कि वो पहाड़ हमारा है, ठीक है वो वहाँ पे बसे रहे अपना तो कहेंगे ही, लेकिन हमारी जो हेमंत सरकार है, हमारी जो आदिवासी वाली सरकार है, उन्होंने भी कहा कि पौराणिक काल से वो रह रहे हैं। आप ऐसा धर्मगुरु कैसे देखते हैं कि जब एक मुख्यमंत्री ही कह रहा है कि पौराणिक काल से रह रहे हैं जबकि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि लाखों साल से संथाली आदिवासी वहाँ रह रहे हैं? शुरू से ही झारखंड के पहाड़ियों में आदिवासी शुरू से ही रह रहे हैं, पर जिस प्रकार जैन धर्म लोग अपना जगह में आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, हम लोग को आदिवासी लोग शुरू से ही किसी को विरोध नहीं किए हुए हैं और अभी भी चाहते तो शुरू से ही हम लोग को आदिवासी लोग उन लोग को रोक सकते थे, पर हम लोग का आदिवासी लोग रोके नहीं। अभी भी झारखंड का पूरा देश का आदिवासी लोग का मन में झांक के देखिए उन लोग में प्रेम छुपा हुआ है। आज उन लोग को हम लोग का आदिवासी से शुरू से ही पूजा पाठ नेग नियम हम लोग का सबसे अलग है। विधि विधान जिस प्रकार हम कहना चाहेंगे
मौसम के अनुसार हम लोग पर्व त्यौहार को मनाते हैं। और हम लोग का एक अभी आप देखते होंगे अभी कैलेंडर के हिसाब से जनवरी पार हुआ, हम लोग फगुआ कटता है उसके बाद से हम लोग सरहुल पर्व महा बाह पर्व मनाते हैं। तो जिस समय हम वहाँ पारसनाथ गए हुए थे उसमें बाह पर्व था और वहाँ का जो संथाली भाई लोग है या 3200 जनजाति का भाई लोग है कितना श्रद्धा कितना प्रेम पूर्वक और अपना अपना वेशभूषा से वहाँ का जो गीत गोविंद मांदर का थाप लेके अपना गाते बजाते हुए जाहिर आयो मारंग मुरुंग सरनामा धर्मेश को वो लोग रिझाते हैं कि हर साल के भांति जिस प्रकार हम इस जगह में आपको पूजा कर रहे हैं अगला साल भी इसी तरह हमें फल फूल पेड़ में देते ही रहेंगे। हम कहना चाहेंगे हमारे जैन धर्म का भाई लोग को या हमारे सरकार हेमंत सोरेन दादा से कि आज हम लोग का शुरू से ही हम लोग का पूर्वज लोग इस पारसनाथ पहाड़ में पूजा करते हुए आए हैं। हम चाहेंगे कि हम लोग का ये आदिवासी लोग का तीर्थ स्थल है और इससे हम लोग से छीनने का प्रयास ना करें और हम लोग मिलजुल के हम लोग पारसनाथ पहाड़ को मिलजुल के बचाएं। दादा रामगढ़ से हैं, रामगढ़ से अपनी बात इन्होंने रामगढ़ पूरे रामगढ़ वासियों की लगभग ये अपनी बात बता रहे हैं, आपके पीछे रामगढ़ वासियों का समर्थन रहेगा दादा? जैसे दीदी हम मेरा मन में जो बात आया मेरा सोच है हम वो बात को रखें दीदी, आप पूरा समर्थन भी है कि वो हम लोग का आदिवासी लोग का पहाड़ है पारसनाथ पहाड़ और हम लोग शुरू से ही हम लोग को पूर्वज लोग पहाड़ पर्वत में देवी देवता का वास है और इसे हम लोग को बचाना चाहिए। और एक दादा हमारे साथ है, दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ संदीप उरांव और मैं हूँ झारखंड प्रदेश का राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा का प्रदेश महासचिव और साथ में कुरसे पंचायत का मुखिया, कुरसे पतरातू रामगढ़ जिला का मैं मुखिया भी हूँ। अच्छा, और दादा आप बोले कि हम भी पारसनाथ गए थे, भौगोलिक स्थिति को आपने देखा है, क्या समझा है? जैसे पारसनाथ पहाड़ की जहाँ तक बात है तो ये आज का बात नहीं है, हमारा कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि उस समय हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग परगना अंतर्गत हम लोग आते थे और हजारीबाग परगना अंतर्गत आज गजट में भी देखा जाए 1956 के अंतर्गत आज भी मरंगबुरु का वहां पर खतियान खाता में दर्ज है जिसको कि आज कोई मिटा नहीं सकता है। आज हम आदिवासी इतने भोले भाले हैं कि हम अपने स्थान को प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं और दूसरे लोगों को भी शामिल करते हैं। आज कहीं ना कहीं यही कारण बना रहा कि धीरे धीरे लोग जैन धर्म लोग अपना पूजा उपासना करते गए और अपना विकास हम लोग से तीव्र गति से करते गए। आज उन लोगों का धर्मस्थल में बिल्डिंग और बहुत सारे इतना आश्रम बन गए और हमारा जो देवस्थल है जहाँ का तहाँ रहा, आज यही कारण रहा कि वो लोग हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं जबकि आदिवासी का मतलब है कि आदिवासी हम लोग आदिकाल से वहाँ पर रह रहे हैं। आज केवल अगर हमारा हक अधिकार लूटने का बात आता है तो हम आदिवासी कभी पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि आदिवासी का जनसंख्या या हक अधिकार लेने में हम कभी पीछे नहीं हैं और हमारे पास साक्ष्य है प्रमाण है और हम आदिवासी का एक धर्म कल्चर संस्कृति सभ्यता हर चीज़ अलग है जो कि न जैन से मेल खाता है ना हिंदू से मेल खाता है ना ईसाई से मेल खाता है। तो जब हमारा रीति रिवाज सिस्टम कस्टम सब चीज़ अलग है तो हम अपना सारे चीज़ों को हम संरक्षण करेंगे। इसमें जो भी आड़े आएंगे चाहे वो झारखंड सरकार हो, झारखंड सरकार लोग राजनीति करते हैं, चाहे किसी का भी सरकार हो, सरकार बहुत सारे सरकार चाहे बीजेपी का रहे चाहे जेएमएम का रहे चाहे कांग्रेस का रहे चाहे आसू का रहे, ये लोग केवल वोट बैंक के चलते किसी भी धर्म स्थल को बेच सकते हैं। तो हम उनके बातों से सहमत नहीं हैं, ज़रूरत पड़े तो हम सरकार के खिलाफ में भी जाने का काम करेंगे क्योंकि हमारे हजारीबाग परगना क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे जिले आते हैं, उन सारे जिलों में हम लोग इस बात पर हम लोग विचार कर रहे हैं और आने वाला आगामी फागुन माह में पहला दिन जो कि पारसनाथ पहाड़ में पूजा किया जाता है फागुन माह के पहला दिन, जिसमें कि हजारों की संख्या में आदिवासी लोग वहां पर जाते हैं और इस बार तय सीमा जो है 21 फरवरी को किया गया है, उसमें हम लोग
पूरे आदिवासी पूरे झारखंड से ही नहीं, नेपाल, बंगाल, भूटान सभी जगहों से आदिवासी हम लोग महाजुटान हम लोग उस स्थल में करने जा रहे हैं। और इस सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसको हम चेताने जा रहे हैं कि आप चेत जाइए, वरना हम आदिवासी आपको अपना रंग रूप और सत्ता और हर एक चीज़ों से हम आपको वंचित करने का ताकत रखते हैं। हम अलग अलग लोगों से आपको इसलिए मिलवा रहे हैं, उनकी राय हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि रांची से पारसनाथ बहुत दूर है, लेकिन रांची में क्या अभी माहौल है इस पारसनाथ को लेके, लोगों की क्या राय है, आदिवासी समाज के जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उराव मुंडा हो है, ये लोग क्या सोच रहे हैं, उनसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। फिलहाल बाकी लोगों से भी हम बात करेंगे, अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।